हेलो गाइस, ये नेवी ब्लू कलर की ये साड़ी है मेरे पास ऐसे सिल्क की, तो इसका बना रही हूँ मैं ब्लाउज। देखिए अभी सिल रही हूँ, अस्तर वाला है। देखो सिल दिया कुछ ये, तो जब ये सिल जाएगा फिर बताती हूँ मैं आपको। ये बन गया ये ब्लाउज, अभी मैं इसको तुरपाई करूँगी गले आगे पीछे गले में, फिर ये नीचे तुरपाई होगी जिधर हुक्स लगेगी, हुक्स लगाऊंगी अभी। तो मैंने इधर मैंने मोड़े में तो स्लीवलेस बना, इधर साइड में सिलाई लगाई, लेकिन गले की तो तुरपाई करनी पड़ेगी, तुरपाई कर लेती हूँ। अभी बना रही हूँ मैं इधर आईज, हुक्स लगाने के लिए तो ये करनी पड़ेगी इधर से इधर। कितनी आईज इधर है, कम से कम 6-7 तो बन जाएंगी आईज इधर। और अभी इधर लगा रही हूँ मैं हुक्स, ये इधर ये ऊपर तो इधर इधर पट्टी पे लगेंगी, ऐसे 8 हुक्स लगेंगी इधर, निशान लगा दिए। ये एक इधर लगा रही हूँ बस, ये इधर इधर ऐसे ऐसे इधर इधर लगेंगी। ये बन गया ब्लाउज, देखो हुक्स वगैरह लग गई, हो गया रेडी, हो गया ब्लाउज। देखिए ब्लाउज रेडी, ये है मेरी साड़ी का लुक। ब्लाउज सिल्क की हो गया है रेडी, फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आई, एंड सिल्क की साड़ी है। बोलते हैं सिल्क की साड़ी में फूले फूले रहते हैं, नहीं फूले फूले नहीं रहते, बोलते हैं मोटे बंदे को नहीं अच्छी लगती, अच्छी लगती है, थोड़ी सेटिंग होनी चाहिए, अच्छे से साड़ी लगानी आनी चाहिए। देखो कितनी सुंदर लग रही है, सिल्क की है वही है, देखिए मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। इसके पल्ले में सिल्वर और गोल्ड वर्क है, बहुत सुंदर लग रही है, बहुत ही सुंदर, मस्त, एकदम परफेक्ट परफेक्ट। इसके पल्ले का वर्क देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पल्ला ना बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा। हर एक कलर डालना चाहिए, और साड़ी डालने का कुछ भी है, साड़ी डालो सूट डालो, उसका एक ढंग होना चाहिए डालने का, अच्छी बस अच्छे से ढंग से सेटिंग हो तो बहुत अच्छी लगती है, मुझे जो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ही सुंदर।